अस्सलाम वालेकुम, मैं अंजुम यजदानी न्यूज़ वुमेन उर्दू में आपका इस्तकबाल करती हूँ। चंपाई सोरन ने झारखंड के वजीर आला के तौर पर हल्फ लिया। खबर का ये हिस्सा RICIS की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार हल्फ बिरादरी के तकरीबन 12:15 रांची में राजभवन के दरबार हॉल में मुनक्कद हुई। इन्होंने झारखंड के साथियों वजीर आला के तौर पर हल्फ लिया। पार्टी के शदीद हेमंत सोरेन के बाद जिन्हें बुध की शाम को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने गिरफ्तार कर लिया था। ये झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन के रात गए एक पेश रफत के वफादारों को मादुओ करने के बाद किया था। GMM लीडर हेमंत सोरेन जुमेरात को हुकूमत बनाने के लिए राजभवन पहुंचे। मिस्टर चंपाई सोरेन से भी कहा गया कि वो अगले 10 दिनों के अंदर फ्लोटेस्ट में अपनी अक्सरियत का मुजाहिरा करें। चंपाई सोरेन की जानिब से गवर्नर पर जोर दिया गया कि वो जल्द अज जल्द हुकूमत बनाने के इनके दुआओं को कबूल कर लें। जब से रियासत में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है, बुध को हेमंत सोरेन का इस्तीफा हुकूमत बनाने के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान JMM की क्यादत वाली इत्तेहाद अपने MLAs को रांची से तेलंगाना ले जा रहा था, ताहम इसे आखिरी लम्हात में मंसूख कर दिया गया क्योंकि इसके लिए किराए पर ले गए 4 ट्रेड तैयार खराब मरियत की वजह से टेक ऑफ नहीं कर सके। वाजे रहे कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मुकदमा झारखंड में माफिया के जरिया जमीन की मलकीत की गैरकानूनी तब्दील के एक बड़े रैकेट से जुड़ा हुआ है। वक्फे के बाद मजीद खबरों के लिए देखते रहें। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी, तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609773040। मगरबी बंगाल के एक पुलिस अफसर और 2 कांस्टेबलों को दर्क से बांधकर मारा पीटा गया। खबर का ये हिस्सा TVS PSJ की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक ये वाकया कृष्ण नगर पुलिस जिला के तहत भीमपुर थाने के इलाके मशरिकी भटसाला में पेश आया। मतनाजिया अराइजी पर नाजायज कब्जे के हवाले से जमीन के ताजरों का मुकामी लोगों के साथ रेदनिया तनाजिया चल रहा है। पुलिस पर नादिया ने जमीन पर नाजायज कब्जे के लड़ाई के दौरान हर आशा करने का इल्जाम था। इनकी एक वीडियो भी सामने आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 पुलिस एहलकारों को कुछ लोगों ने दरख्त से बांध दिया मार खा रहे हैं। ये वाक्या सामने आते ही कोहराम मच गया।
पुलिस जराये के मुताबिक इतला मिलते ही बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को मौके पर भेजकर 3 पुलिस अहलकारों को बचा लिया गया। तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। पुलिस जराये के मुताबिक ये वाकया कृष्ण नगर पुलिस जिला के तहत भीमपुर थाना इलाके के मशरिकी भटशाला में पेश आया। मितनाजिया अराजी पर नाजायज कब्जे के हवाले से जमीन के ताजरों का मुकामी लोगों के साथ रेदीना तनाइजिया चल रहा है। इसका तफ्तीश के दौरान 3 पुलिस अहलकार निशाना बने। इनमें से एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, बाकी 2 कांस्टेबल है। गांव वालों के एक हिस्से के शिकायत है कि मुकामी पुलिस जमीन के ताजरों की हिमायत कर रहे हैं। पुलिस के उकसाने पर जमीन पर कब्जा किया गया है। गांव वाले काफी देर तक इसको लेकर नाराज थे। वक्फे के बाद मजीद खबरों के लिए देखते रहें। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल, 713301। प्रोडक्ट्स आर बायोटिक, गार्नियर, एवर यूथ, निविया, सहनाज, मैमथ, O3 प्रोफेशनल, लोटस प्रोफेशनल, पतंजलि, जॉबिस, नेचर्स, मेंस ग्लो, प्लम, एम कैफिन, VLCC, गुड वाइब्स, ओला, फेम, ऑर्गेनिक, राजा, सुगर, लैक्मे, वेबलिन, लोटस कलर, पॉन्ड्स, सिल्क, मैट्रिक्स, लोरियल, बेला एटसेट्रा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9126767709। जबलपुर डिवीजन ओवर वेस्ट सेंट्रल रेलवे सिस्टम ने प्री NI और NI वर्क के लिए ट्रेनों की मंसूख। खबर का ये हिस्सा हिलव्यू हॉस्पिटल की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। आसनसोल कटैनी में डबल लाइन के सिलसिले में छटैनी और बेवहारी के प्री नन इंटरलॉकिंग के काम के वजह से और छटैनी बेवहारी डोरी कला BARD और विजय सोटा स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम की वजह से सिंगरौली सेक्शन के 10 फरवरी 2024 से 24 फरवरी 2024 तक मगरबी वेस्ट रेलवे के ऊपर जबलपुर ट्रेन चलाने में दर्ज ज़ैल इंतजाम किए गए हैं। मनसूखी 19608 मदर जंक्शन ए कोलकाता हफ्तावार एक्सप्रेस 12 फरवरी 2024 और 19 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला सफ़र मनसूख कर दिया जाएगा। 1907B कोलकाता मदार जंक्शन हफ्तावार एक्सप्रेस 15 फरवरी 2024 और 22 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला सफ़र मनसूख कर दिया जाएगा। 13025C हावड़ा भोपाल हफ्तावार एक्सप्रेस 12 फरवरी 2024 और 19 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला सफ़र मनसूख कर दिया जाएगा। 13026D भोपाल हावड़ा हफ्तावार एक्सप्रेस 14 फरवरी 2024 और 21 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला सफ़र मनसूख कर दिया जाएगा। 19413E अहमदाबाद कोलकाता हफ्तावार एक्सप्रेस 14 फरवरी 2024 और 21 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला सफ़र मनसूख कर दिया जाएगा। 19414F कोलकाता अहमदाबाद हफ्तावार एक्सप्रेस 17 फरवरी 2024 और 24 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला सफ़र मनसूख कर दिया जाएगा। वक्फे के बाद मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप GT रोड आसनसोल 1।
আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার পার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9563404288 and 8918940868। आसनसोल सिलपंच धुन की लपेट में दूसरी तरफ सानवी इम्तिहान आज से शुरू हो गई। खबर का ये हिस्सा एएसपी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। आसनसोल शिल्पांचल धुंध की चादर ओढ़े हुए है। धुंध इतनी गहरी है कि 20 फीट का फासला भी देखना मुश्किल है। धुंध का असर नेशनल हाईवे 2 पर भी ज्यादा है। गाड़ियों की तादाद में इजाफा देखा गया। वहां जो भी चल रहा है वो तमाम लाइट और हॉर्न के इस्तेमाल कर रहा है। धुंध की वजह से आसनसोल के मुख्तलिफ स्कूलों में बच्चों की हाजिरी कम हो गई है। आसनसोल भगत सिंह मोड़ में धुंध नजर आई। जिला हुक्मरान मोड़ पर भी घनी धुंध देखी गई। एक तरफ घनी धुंध छाई हुई है और इसके दरमियान मगरबी बंगाल में सानवी इम्तिहान आज से ही शुरू हो गए हैं। वहीं सानवी इम्तिहान देने वालों को घनी धुंध का सामना करना पड़ रहा है। इस बार हुकूमत ने तय किया है कि सानवी इम्तिहान का वक्त सुबह 9:30 बजे, जिसके लिए स्कूल सेकेंडरी के दौरान सुबह 8:30 बजे से ही खुल जाएंगे। सानवी इम्तिहान शुरू हो गए हैं। आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस से गुलाब देखकर इम्तिहान देने वाले तुलबा की हौसला अफजाई हुई। वक्फे के बाद मजीद खबरों के लिए देखते रहें। ईस्ट सेंट्रल रेलवे पर प्री एनआई, एनआई और पोस्ट एनआई के काम के लिए ट्रेनों का जब्त। खबर का ये हिस्सा शाइन एकेडमी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। आसनसोल 4 फरवरी 2024 से मशरकी वेस्ट रेलवे पर दरभंगा में दरभंगा मोहम्मदपुर समस्तीपुर डिवीजन के सीतामढ़ी सेक्शन के दरमियान शिशु यार्ड स्टेशन पर नए ब्लॉक स्टेशन के इफ्तिताह के सिलसिले में परिणाम इंटरलॉक, नॉन इंटरलॉक, पोस्ट नॉन इंटरलॉक के काम को अंजाम देने के लिए 9 फरवरी 2024 ट्रेन चलाने में दर्ज ज़ेल इंतजाम किए गए हैं। ट्रेनों की दी शेड्यूलिंग 07052 रक्सौल सकंदराबाद स्पेशल को 120 मिनट 2 घंटे के लिए जरिए दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। सफर का आगाज 6 फरवरी 2024 को होगा। 13043 हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस को 90 मिनट 1.5 घंटे में दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। सफर 7 फरवरी 2024 को शुरू होगा। ट्रेनों का डायवर्जन 13155 कोलकाता सीतामढ़ी मिथिलांचल एक्सप्रेस 4 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला सफर इसके तयशुदा रास्ते समस्तीपुर दरभंगा सीतामढ़ी के बजाय समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के रास्ते मोड़ दिया जाएगा। 13165 कोलकाता सीतामढ़ी सीतामढ़ी एक्सप्रेस 3 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला सफर इसके तयशुदा रास्ते समस्तीपुर दरभंगा सीतामढ़ी के बजाय समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के रास्ते मोड़ दिया जाएगा। वक्फे के बाद मजीद खबरों के लिए देखते रहें। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games,
transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. दरख्त लगाने वाले राधेश्याम गराई को राइजिंग आसनसोल की तरफ से शिल्पांचल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। खबर का ये हिस्सा एंजल की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक एक वक्त था जब आसनसोल शिल्पांचल हरे भरे नजर आते थे, लेकिन अब हमने इसे हरियाली नहीं छोड़ी, तरक्की करते हुए हमने इतनी तरक्की कर ली है, हरियाली को तबाह किया। तरक्की नजर आ रही है, कुल कारखाने भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हरियाली खत्म हो गई है, जिसकी वजह से आसनसोल में कई तरह की आलूदगी फैल रही है। लेकिन आज भी एक शख्स ऐसा है जो हरियाली के लिए जी रहा है, वो सुबह उठते ही हरियाली के लिए काम करने वाला है। हाँ, वो शख्स जिसका ख्वाब और काम दरख्त लगाना है, यानी हरे भरे दरख्त लगाना, इनकी नशोनुमा और खूबसूरती करना है। इलाके के लोग इसे जानते हैं। कहा जाता है कि दरख्त लगाने के दीवाने राधे श्याम गोराई ने आसनसोल सिलपंच में अपनी अलग पहचान छोड़ी है, लेकिन आज भी इन्हें इज्जत नहीं मिली। दरख्तों के दीवाने राधे श्याम ने अपने दिल से जंगल बना लिया। 1989 से अब तक इन्होंने अकेले ही निसफ मिलियन दरख्त लगाए और एक जाती इलाके की बंजर जमीन में जंगल बनाया। खुरदरी सुर्ख पथरीली जमीन की जगह घनी सब्ज पौधों ने ले ली है, जैसे कोई जादू की छड़ी हो। जादूगर का नाम राधे श्याम गोराई है। पिछले 34 सालों में इन्होंने अपने हाथों से 5,00,000 दरख्त लगाए हैं, जिससे इसे जमुड़िया की चेचोरिया ब्लॉक के आला नगर में एक महफूज जंगलाती इलाके की शक्ल दी गई है। आज तक वो इज्जत नहीं मिली जिसका वो हकदार था। राइजिंग आसनसोल इन्हें शैलांचल रत्न अवार्ड देने जा रहे हैं। वक्फे के बाद मजीद खबरों के लिए देखते रहें। रेखा मैचिंग, समस्त धरनेर सब रंगेर मैचिंग पपलिन रूबिया फैंसी ओरना और फैंसी ड्रेसर मैटेरियलर जोन्नो आसन रेखा मैचिंगे। टीपी मार्केट आसनसोल, फोन नम्बर 9635640012। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा जुमा को मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद के नाबग्राम से दोबारा शुरू हुई, जब जिला इंतजामिया ने पार्टी से 10वीं जमात के रियासती बोर्ड के इम्तिहान की वजह से ताखिर करने को कहा। खबर का ये हिस्सा बीएनएम कोचिंग सेंटर की तरफ से स्पॉन्सर्ड किया गया है। ये यात्रा जो मुर्शिदाबाद के गोकर्णा से सुबह 8 बजे दोबारा शुरू होने वाली थी, तकरीबन 10:30 बजे नामग्राम से शुरू हुई थी। बहरमपुर के एमपी चौधरी ने कहा कि पड़ोसी जिला बीरभूम में यात्रा के इनाकत की इजाज़त से इनकार कर दिया गया था, जिसके ज़रिए ये बाद में झारखंड के पाकोर में दाखिल होने के लिए पास करना। इन्होंने कहा कि रियासत भर में मगरबी बंगाल सानवी तालीमी बोर्ड के 10वीं जमात के इम्तिहान के आगाज की वजह से मुर्शिदाबाद ज़िला में रोड शो करने की इजाज़त नहीं दी गई। चौधरी ने नामा निगारों को बताया, मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर हम इम्तिहान मराकज में दाखिल होने के बाद परामन तरीके से अपनी यात्रा चलाते हैं तो मसला क्या है। यात्रा सिर्फ चंद गाड़ियों के साथ शुरू हुई, जब गांधी इस जिला के नाबग्राम से सुर्ख रंग की एसयूवी पर सवार हुए। बहरामपुर के एमपी ने कहा कि यात्रा में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मक्फे के बाद माजीब खबरों के लिए देखते रहें। मोमेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सी के बर्णवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बूदा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल।
चितरंजन बाजार में बीजेपी लीडर अग्निमित्रा पाल। खबर का ये हिस्सा एसके इन्फोकॉम की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। चितरंजन से पपन पाल के अनुसार चितरंजन बराबानी असेंबली के तहत चितरंजन ने चितरंजन रेलवे में मार्केट के मुख्तलिफ फ्राउड और नुकसानात के बारे में ताजरों से बात की। आसनसोल के कस्बा जनूबी असेंबली के एमएलए और बीजेपी लीडर मित्रा पाल ने जुमा चितरंजन रेलवे टाउन के इमलाधन बाजार में ताजरों से बात की और ताजरों ने इन्हें कई मुतालिबात के साथ एक मेमोरेंडम पेश किया। अग्निमित्रा पाल ने कहा वो आने वाले दिनों में चितरंजन को लोकोमोटिव वर्क्स के जीए से इस डिमांड लेटर के बारे में बात करेंगे। कल 6 मार्केटों की मार्केट कमेटी ने अग्निमित्रा पाल को डिमांड लेटर सौंप दिया है। 2 मार्केट कमेटियों ने अभी तक मेमोरेंडम नहीं दिया है। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि यहां के तमाम बाजारी इलाकों में कारोबार करने वाले ताजरों को कई मसाइल दरपेश है। पहला ताल्लुक पावर ऑफ अटार्नी से है, एक मसाइला है। दूसरा मसाइला ये है कि किराया हर साल 7% के हिसाब से बढ़ाया जाता है। मजीद ये कि ताजरों का मुतालिबा है कि अगर इन्हें रिहाइश दी जाए या इन्हें इलाज मालिश के कम से कम सहूलत फराहम की जाए या इनके घर के तालब तालमा हासिल कर सके, रेलवे स्कूल इंतजाम किए जाएं। इसके अलावा कारोबार में बेहतरीन की वजह से इस मेमोरेंडम के ज़रिए मुख्तलिफ दीगर सहूलत भी मांगी गई है। अग्निमित्रा ने कहा कि वो इस बारे में चितरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री की जीएम से बात करेंगी। मकफे के बाद मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। हेमंत सोरेन को आरआईजी फाउंड केस में 5 दिन की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की हिरासत में भेज दिया गया था। झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को जुमा के रोज एक अराजी फ्राउड केस के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की 5 दिन की तहवील में भेज दिया गया था। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें ईडी के जरिए इसके गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था। जस्टिस संजीव खाना, एमएम सुंदरेश और बेला एम तरवीडी पर मुस्तमिल खसूसी बंच ने झारखंड मुत्तकी मोर्चा जेएमएम के 48 साल लीडर को झारखंड हाई कोर्ट से रिजवा करने को कहा था। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने जांच एजेंसी की तरफ से जारी समन को मनसूख करने और गिरफ्तार को गैर कानूनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजवा किया था। बुध को हेमंत सोरेन, जो जेएमएम के एग्जीक्यूटिव सदर भी है, ईडी ने जमीन धोखाधड़ी के मामले में 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इन्हें झारखंड के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद तमाम डिपॉजिट्स और क्रेडिट लेन देन बंद करने की हिदायत की। खुशबू बर्नवाल के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बुध 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पेटीएम के बैंकिंग बाजू को हुक्म दिया कि वो अपने खातों में ताज़ा डिपॉजिट्स को कबूल करना बंद कर दे या मकबूल मार्ट से बटवे। एक बयान में आरबीआई ने कहा कि पेटीएम डिपॉजिट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद किसी भी सारिफ के खातों में मजीब रकम जमा करने की इजाज़त नहीं होगी और किसी भी क्रेडिट लेन देन की इजाज़त नहीं होगी। बिशमोल बटवे के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक 1 97
कम्युनिकेशंस का एसोसिएट है। जुमेरात को पेटीएम ने एक बयान में कहा वो मरकजी बैंक की हिदायत की तामील करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करेगा। 197 पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ काम करना छोड़ देगा और सिर्फ दूसरे बैंकों के साथ काम करना शुरू कर देगा। वाजे रहे कि 2017 में कायम किया गया पेटीएम पेमेंट्स बैंक 49% पेटीएम की मलकियत है और 15% पेटीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO और बानी विजय शेखर शर्मा। अब आखिर में समय है मोमेंट के SMS का। The snake which cannot cast its skin has to die, as well the minds which are prevented from changing their opinion, the keys to be mined. जो सांप अपनी खाल नहीं डाल सकता इसे मारना है। नेज वो मिंड जो अपने राय बदलने से रुके हुए हैं, वो जहन बनना छोड़ देते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आए तो बरा करम वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मजीद इतला के लिए घंटी को दबाना ना भूलें।